दोस्तों, जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, महिलाओं की नाभि में भी बहुत से चेंजेस आते हैं। कुछ महिलाओं की नाभि इस दौरान बाहर की ओर आने लगती है। आखिर नाभि बाहर की ओर क्यों आती है, इससे आपको क्या संकेत मिलते हैं, क्या इससे आप जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस न हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि नाभि जो होती है वो गर्भस्थ शिशु से गर्भनाल के द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन पोषण मिलता रहता है। इसलिए नाभि का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपका पेट बढ़ता रहता है, आपके यूट्रस का साइज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे आपकी नाभि पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो नाभि है वो बाहर की ओर निकलने लगती है। लेकिन दोस्तों, सभी महिलाओं के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी नाभि इस दौरान अंदर की तरफ धस जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाभि बाहर की ओर आ रही है या फिर अंदर की ओर भी धस रही है तो ये बिल्कुल सामान्य है और ये सभी गर्भवती महिलाओं के साथ होता है। तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों, नाभि का बाहर या फिर अंदर की तरफ होना आपकी हाइट पर भी डिपेंड करता है। जो महिलाएं हाइट में थोड़ी छोटी होती हैं और वजनी होती हैं तो उनकी नाभि ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई महसूस होती है। वहीं अगर आपकी हाइट लंबी है और आप पतली हैं तो आपकी नाभि बाहर की ओर नहीं भी निकल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनकी नाभि बाहर की ओर आती है और नाभि में दर्द और खुजली होने लगती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नाभि को आपको बिल्कुल भी दबाना नहीं है या फिर उस पर खुजली नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है कि अपनी नाभि को ज्यादा से ज्यादा सूखा रखें और उस पर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या फिर आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, तो उससे आपकी खुजली की समस्या और दर्द की समस्या में आपको आराम मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपकी नाभि का दर्द ठीक नहीं होता है या फिर ये खुजली ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो। इसके लिए आपको बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और इसके लिए कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट लेना है। अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों, नाभि के बाहर या फिर अंदर की ओर होने से क्या जेंडर प्रेडिक्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाभि बाहर की ओर निकली हुई है तो आपके गर्भ में एक बेबी बॉय है, वहीं अगर नाभि अंदर की ओर धसती है तो आपके गर्भ में एक बेबी गर्ल बन रही है। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बता चुकी हूं। इसका साइंटिफिक कोई भी आधार नहीं है कि आप इससे जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये सिर्फ ओल्ड वाइब्स की बातें हैं और बहुत कहीं जाकर ये सच भी साबित हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नाभि को लेकर आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो आज क्लियर हो चुके होंगे। इनकेस आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।